हेलो, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट ट्रैवलर माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही खास जगह में है। आप जो मेरे पीछे देख रहा है, ये है हवा खाना। ये किसका हवा खाना पता है? ये जो गौरीपुर राजा था, गौरीपुर में जो राजा था, उस राजा का राजमहल है, एक्चुअली राजप्रसाद है। ये देखिए मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये उस ज़माना का है। अभी हम देखने के लिए कोशिश करें। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और देखिए कितना अच्छा से बना के रखा है, हमारे स्नाया करके बनाया ताकि इसका एक है ना हिस्टोरिकल प्लेस रखना बेखन करने के लिए कुछ। गौरीपुर राजमहल यानी राजप्रसाद में है ये जगह। देखिए कितना खूबसूरत है, ये नया करके बनाया है। ये हमें लोग टिकटॉक भी कर रहे हैं, आप भी आ सकते हैं, ये देखने का लायक है। अगर असम में, लोअर असम में कोई आया है तो यहाँ आना जरूरी बनता है। अगर यहाँ नहीं आया तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि जो पहले राजा का दिन था, उस ज़माने में राजा लोग कैसे रहते थे, राजप्रसाद कैसा है हम देखने के। ये मेरे कुछ दोस्त लोग वीडियो बना रहे हैं। हाय बोल दो यार। हाय। ओके थैंक यू। क्या आप लोग शूटिंग कर रहे हैं क्या? नहीं, फोटो ना वीडियो? फोटो, ओनली फोटो। हाँ। शूटिंग करो, वीडियो बनाओ यार, ब्लॉग बनाओ। ठीक है। ये है ये आप धुबरी गौरीपुर का इस एरिया में ये जगह सबसे ऊंचा है और सुरक्षित है। इसका नाम हवा खाना ऐसे नहीं दिया, एसी फैन कुछ भी नहीं होने से इधर में 12 महीना ठंडा हवा लगेगा। ये जगह बहुत ऊंचा है, चारों तरफ टाउन है और देखिए अंदर आदमी भी है, शायद उन्हीं का कोई डिसीडेंट होगा, वंशज होगा। बहुत सारा दूर दूर से लोग आया हुआ है यहाँ में टूरिस्ट देखने के लिए। ये है प्रसाद राजमहल है, देखिए कितना खूबसूरत से बना है। ताज्जुब का बात यही है कि लगभग 300-400 साल पहले बना हुआ है महल अभी भी सुरक्षित कैसे है। और आजकल हम लोग का जो ब्रिज वगैरह बनते हैं, जो कंस्ट्रक्शन होता है गवर्नमेंट, सर 50 साल में लूट हो जाता है। ये देखिए तो सब मजा का बात यही है। ये जो घर देखिए जमीन से 2-3 फुट ऊपर में है। बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ता पालते हैं लोग, पलेंगे भाई, महाराजा का लोग है, राजा का वंशधर है। मजा का बात यह है कि ये जो घर है कुछ ऊंचा में है, एकदम से मट्टी में वो नहीं है, 2-3 फुट ऊंचा में है। ये साइड में शायद उनका सिक्योरिटी वगैरह होंगे देखने के लिए, सुरक्षा के लिए। और ये साइड वर्कर वगैरह जो लिगरी होता है, जो काम करने वाला लोग होता है, राजा का ज़माना में बहुत होता था, वो लोग शायद रहता था। ये खिड़की ताकि ख़राब ना हो पानी में, ऐसा तरीके से बनाया था। देखिए वो ऊपर वाला भी खिड़की ऐसा बनाया था ताकि पानी ना घुसे। ऊपर में जाने का सीढ़ी इधर से है, इधर से सीढ़ी है। कितना साल पुराना सीढ़ी, लकड़ी का भी मौजूद है। देखिए सुरक्षित है, लकड़ी का है, गोल गोल हो गया है, मौजूद है। ये भी लकड़ी का है। लोग रहते हैं इधर में। इस साइड से और भी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ओ ये साइड फ्रंट साइड है, ये साइड फ्रंट साइड है। और इस साइड में एक लेक भी है जो कि गदाधर नदी है, जिस नदी के लेके बहुत सारा गाना भी लिखा हुआ है प्रतिमा पांडे बरुआ जी ने, जो ऑल इंडिया फेमस एक सिंगर है। और ग्वालपरिया जो लोकगीत है उन्होंने पहले दुनिया का सामने लाया है। अभी जंगल हो गया है इधर में, यहाँ में खूब साफ सिकन रहता था, घाट वगैरह है। अभी भी उनका फैमिली का कुछ लोग या 2-3 खानदानी कुछ लोग, उनका जो वंशज है वो लोग शायद रहता है। हम भी कह सकेंगे हमारा राजा महाराजा का उठना बैठना है, क्योंकि ये देखिए ये महल में हम भी है। इसे बम्बू का एक बैरा लगा हुआ है, ये पहले नहीं था। और बहुत ही ये देखिए, ये जो पत्थर है, पत्थर का सीढ़ी है, ना जाने कितना साल पुराना है। हम ये है प्रताप सिंह, हाथीर समाधि। प्रताप सिंह एक हाथी का कब्र है, ये एक हाथी का कब्र है जो राजा की। हाथी बहुत ही, अब माहौत बंधु का गाना जो सुना है, असम का हर लोग जानता है हाथी कितना महत्वपूर्ण है, हर लोग जानता है। लेकिन असम का ये जो हाथी को लेकर जो प्रतिमा पांडे बरुआ ने कितना गाना लिखा था, माहौत बंधु ने, उनका एक शादी हुआ था जो कि माहौत था, हस्ती सालक था, प्रेम करके नीचे। और राइट साइड में शिव मंदिर मिलेंगे, चलिए शिव मंदिर दिखाते हैं। ये जो शिव मंदिर है, यहाँ में भी घर है, वो भी राजा का जमाना का। देखिए जो मंत्री वगैरह होते थे,
सैनिक वगैरह होते हैं उनके रहने के लिए जगह है नीचे है, और वो देखिए वहाँ में नदी है। हम ये मंदिर देखने के लिए कोशिश करेंगे। ये भी गदाधर नदी है। तो आप सोचिए इस महल का तीनों ओर उस तरफ भी गदाधर है, पीछे भी है, इस तरफ है। इसलिए ये महना में ये टर्निंग में ये पहाड़ी जगह है, थोड़ा सा एक ऊंचा टीला है, यहाँ में बना हुआ है इस हवा महल यानी राजप्रसाद, और यही से होता था नियंत्रण। हम इतना टाइम जो बोल रहा था प्रतिमा बरुआ पांडे जी, यही है। ये इन्होंने पहले ग्वालपरिया गाना के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला था।